Hey, welcome students to our channel Farmador. This is Poonam Jess. In this lecture, we will going to describe about the autonomic nervous system, basic differences between the parasympathetic and sympathetic nervous system. Okay, let us start with the introduction part. Okay, before starting the introduction part, I want to tell you something. आपने बहुत सारे वीडियो लेक्चर ऑन यूट्यूब देखे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल बन गए आज फार्मेसी के लिए. ठीक है, तो आपको भी लग रहा होगा कि हम मैम का चैनल ही क्यों देखें, हम क्यों आपका चैनल देखें, ठीक है, आपकी वीडियो ही क्यों देखें. मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अभी तक आपने मेरी जो फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स देखे होंगे उनके अंदर क्या था कि नॉर्मल पहले थियोरेटिकल पोर्सन था, आज से हम स्टार्ट करें अपना ड्रग्स वाला पोर्सन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से. तो क्या है, मैं आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपके कॉलेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करवा रही हूँ, कॉलेज के अकॉर्डिंग तो है ही आपका फर्स्ट सेम सिलेबस. ठीक है, जो मैं आपको लेक्चर्स में करवा रही हूँ वो कुछ एडिशनल करवाऊँगी जो आपको बुक्स के अंदर बिल्कुल नहीं मिलेगा. और मैं आपको ये करवा इसलिए रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जीपेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई फार्मासिस्ट के लिए कर रहा है, कोई हमारा DI के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना. ठीक है, तो कोई DCO ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि मैंने भी अपनी जीपेट की मतलब प्रिपरेशन की थी, DCO एग्जामिनेशन मेरा क्लियर हुआ है तो मैंने DCO की अपनी प्रिपरेशन की है. तो मैं चाह रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन की, मेरी तो हो ही रही है, साथ के साथ मैं कुछ ना कुछ आपको भी करवा दूँ क्लियर. तो क्या है, आप जो ये वीडियो लेक्चर मेरी सुनोगे इसके अंदर आपको क्या है कि मैं एक्स्ट्रा करवा रही हूँ, बट एग्जामिनेशन में जो लिखना है वो लिखने के लिए मैं आपको बता दूंगी कि आपको कितना लिखना है मैटर, सफिशियंट मैटर एग्जामिनेशन के पॉइंट के व्यू से तो मैं आपको बता ही दूंगी. बट जो मैं मैटर आपको क्लासेस के अंदर वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोवाइड कर रही हूँ, जो वीडियो लेक्चर के अंदर दे रही हूँ, ये आपके प्रॉपर, ये आपको मतलब इसको आपको बिल्कुल भी क्या नहीं करना, बिल्कुल भी वो नहीं करना, कंसाइज नहीं करना, पूरे लेक्चर्स को आपने सुनना है, पूरे लेक्चर्स के पॉइंट्स बनाने हैं आपको. क्योंकि अगर जो भी बच्चा जीपेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है फार्मेसी से रिलेटेड, तो उनके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसके अंदर मैं आपको एक्स्ट्रा नोट करवाऊंगी, टॉपिक करवाऊंगी, MCQs करवाऊंगी बाद में हर लेक्चर वीडियो के बाद, जब आपका टॉपिक का जैसे आपको ANS सिस्टम जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसकी MCQs करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करें अपना नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू मेन ब्रांचेस, PNS एंड CNS. ठीक है, CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. आप वैसे तो ये पहले भी पढ़ चुके हो बट मैं फिर भी आपको बेसिक एक बार रिवाइज करवा रही हूँ. CNS इज डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड PNS इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड इनटू SNS सोमेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, CNS क्या है, कंसिस्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज PNS. That is further divided into ANS and SNS. ANS is known as autonomic nervous system and SNS is known as somatic nervous system. Action functions under the autonomic nervous system controlled by involuntary action and function and action that come under the somatic nervous system is voluntary in nature. ANS is further divided into sympathetic and parasympathetic nervous system. Sympathetic is adrenergic system. Parasympathetic system is also known as cholinergic system. ठीक है, somatic nervous system is classified into sensory and motor neuron. Sensory and motor neuron that is voluntary in nature. देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो नोन एज फाइट और फ्लाइट एंड आल्सो एडनर्जिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एमरजेंसी. इसका क्या मतलब है, देखो जिस टाइम फॉर एग्जांपल मेरे को किसी इंटरव्यू के लिए जाना है या फिर क्लास के अंदर हूँ, टीचर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, टीचर ने मुझे खड़ा कर दिया है, या फिर मैं कहीं जा रही हूँ मेरे पीछे डॉगी पड़ गया है,
तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं डरी हुई हूँ, फियर की कंडीशन में हूँ, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, मुझे फाइट करने के लिए प्रिपेयर करेगी, ठीक है। जैसे डॉगी पड़ा है तो मैं दौड़ूंगी ना वहाँ पे, तो क्या होएगा उस टाइम पे, बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करेगी, एडर्नर्जिक सिस्टम का न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, जिससे मेरी हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जड़ की कंडीशन में ऑलमोस्ट हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, फाइट एंड फ्लाइट मोड। नेक्स्ट वन इज पैरा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, आल्सो नोन एज रेस्ट एंड डाइजेस्ट नर्वस सिस्टम, कंसर्न्ड विद द वेजिटेटिव फंक्शन, एग्जाम्पल मोटिलिटी एंड सिक्रीशंस ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। एएनएस नर्वस सिस्टम कन्वेज ऑल द इनपुट्स फ्रॉम सीएनएस टू द रेस्ट ऑफ बॉडी एक्सेप्ट फॉर मेजर इनर्वेशन ऑफ द स्केलेटल मसल, ठीक है। इफेक्टर ऑफ ANS, कौन से ऑर्गन्स है जो कि ANS के थ्रू कन्वे होते हैं। न्यूरॉन्स ऑफ द ANS इनर्वेट इफेक्टर्स दैट आर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है। न्यूरॉन्स जो ANS की कहाँ पे कौन से इफेक्टर ऑर्गन को अपने रिस्पॉन्स देते हैं जो नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। सम एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टर ऑर्गन्स आर हार्ट, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई ट्यूबल्स एंड GI ट्रैक्ट, स्मूथ मसल लाइनिंग ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑर्गन्स दैट आर इनर्वेटेड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। CNS टू इफेक्टर ऑर्गन, ANS नर्वस सिस्टम कंटेन टू न्यूरोन्स, एग्जाम्पल GIT इफेक्टर ऑर्गन्स इनर्वेटेड बाय द ANS, एग्जाम्पल GIT मसल्स किडनी। फर्स्ट न्यूरोन इज नॉन एज प्री गैंग्लियोनिक एंड सेकेंड न्यूरोन इज नॉन एज पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। बोथ सिस्टम के अंदर कॉलिनर्जिक या फिर एडनर्जिक सिस्टम दोनों के अंदर हमारे पास क्या होएगा, एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोन और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोन। फॉर एग्जाम्पल इन सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोन कंटेन अ स्टालकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोन कंटेन एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन या फिर क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन एज एन न्यूरो ट्रांसमीटर। इन पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम प्री गैंग्लियोनिक इज आल्सो स्टाइल कॉलिन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरो ट्रांसमीटर इज आल्सो स्टाइल कॉलिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंसेस ये भी हो गया कि सिंपेथेटिक के अंदर क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक के अंदर हमारा एड्रेनलिन या नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है, बट जो पैरासिंपेथेटिक है इसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलिन है। तो ये जो है क्वेश्चन, इन दोनों के डिफरेंस है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर का डिफरेंस है ये जीपेट में और फार्मासिस्ट एग्जाम में मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक और डिफरेंस है, देखो कॉलिनर्जिक के अंदर क्या है, कॉलिनर्जिक प्री गैंग्लियन न्यूरॉन इज शॉर्टर देन द कॉलिनर्जिक ऑफ सॉरी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ कॉलिनर्जिक न्यूरो नर्वस सिस्टम। ये बोल रहे हैं कि जो सिंपेथेटिक न्यूरॉन है उसका प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर है वो क्या है, शॉर्ट है उसकी लेंथ फ्रॉम द पैरासिंपेथेटिक कॉलिनर्जिक न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक कॉलिनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है। एनाटॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन सिंपेथेटिक एंड पैरा सिंपेथेटिक सिस्टम, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो नोन एज थोरैकोलुम्बर सिस्टम एंड पैरा सिंपेथेटिक इज आल्सो नोन एज क्रेनियो सैक्रल सिस्टम। बिकॉज थोरैकोलुम्बर इज द रीजन ऑफ बैकबोन, इट अराइज फ्रॉम द थोरेसिस लुम्बर पार्ट ऑफ बैकबोन एंड इट अराइज फ्रॉम द क्रेनियल सैक्रल रीजन ऑफ बैकबोन। So, in some places, example in visceral smooth muscle of gut, bladder and heart, the sympathetic and parasympathetic system produce opposite effect. ये क्या बोल रहा है कि कुछ ऑर्गन में जैसे GIT की मसल है, ब्लेडर है, हार्ट है, वहाँ पे सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक अपोजिट इफेक्ट दिखाते हैं, जैसे कि कॉलिनर्जिक हार्ट को डाउन करता है और एड्रेनर्जिक हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। बट देयर आर अदर्स वेयर ओनली वन डिवीजन ऑफ ANS सिस्टम ऑपरेट्स, बट कुछ सिस्टम ऐसे भी है जहाँ पे ANS सिस्टम का सिर्फ एक ही जो पार्ट है या सिंपेथेटिक या पैरासिंपेथेटिक वो इनर्वेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन स्वीट ग्लैंड
सॉरी स्वीट नहीं है यहाँ पे, स्वेट ग्लैंड है. इन स्वेट ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स ओनली सिंपेथेटिक सिस्टम इनरवेट. क्या है? ब्लड वेसल्स के अंदर और स्वेट ग्लैंड के अंदर ओनली सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम इनरवेट. एग्जाम्पल सीलियरी मसल ऑफ आई एंड ब्रोंकियल स्मूथ मसल ओनली पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम इनरवेट. ये क्या बोल रहे हैं कि आई की सिलियरी मसल में और ब्रोंकियल स्मूथ मसल में सिर्फ पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम ही इनरवेट करेगा. नेक्स्ट डिफरेंस है डिफरिंग लेंथ ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. सिंपेथेटिक के अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग है और पैरासिम्पेथेटिक के अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट है. नेक्स्ट है डिफरिंग लोकेशन ऑफ गैंग्लिया. गैंग्लिया की डिफरेंट लोकेशन. सिंपेथेटिक में क्लोज टू स्पाइनल कॉर्ड इन ए चेन एंड पैरासिम्पेथेटिक के केस में क्लोज टू टारगेट ऑर्गन. ठीक है. नेक्स्ट है एनाटॉमिकल कंसिडरेशन के अंदर ही देखो ये प्री गैंग्लियोनिक है, इसमें असाइल कॉलिन है पैरासिम्पेथेटिक के केस में, और पोस्ट गैंग्लियोनिक के अंदर भी असाइल कॉलिन न्यूरोट्रांसमीटर है. सिंपेथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक में असाइल कॉलिन, पोस्ट गैंग्लियोनिक में नॉर एडनली. नेक्स्ट है मेटाबोलिज्म ऑफ असाइल कॉलिन एंड सिंथेसिस. असाइल को ए प्लस कॉलिन, बोथ असाइल को ए प्लस कॉलिन विद द हेल्प ऑफ कॉलिन असाइल ट्रांसफर एंजाइम. ठीक है, कन्वर्ट इनटू असाइल कॉलिन. असाइल कॉलिन एस्टरेज इज द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द असाइल कॉलिन इनटू कॉलिन प्लस एसीटेट. ठीक है, तो कॉलिन असाइल ट्रांसफरेज इज नोन एज रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ असाइल कॉलिन सिंथेसिस. दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू. कॉलिन असाइल ट्रांसफरेज इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ असाइल कॉलिन सिंथेसिस. नेक्स्ट इसके अंदर हम असाइल कॉलिन की सिंथेसिस स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डायग्रामेटिकली व्यू के अंदर देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज डायग्राम ऑफ एन एक्सॉन. ठीक है, दिस इज डायग्राम ऑफ एन एक्सॉन, न्यूरॉन एक्सॉन टर्मिनल. असाइल को ए हमने अभी पढ़ा था कि असाइल को ए प्लस कॉलिन फॉर्म द असाइल कॉलिन. असाइल को ए प्लस को ए एंजाइम, एंजाइम यहाँ पे कौन था, कॉलिन असाइल ट्रांसफरेज कन्वर्ट इट इंटू इट असाइल कॉलिन. कॉलिन असाइल ट्रांसफरेज कन्वर्ट इंटू असाइल कॉलिन. असाइल कॉलिन स्टोर्ड इंटू द साइनेप्टिक वेसिकल. जैसे ही यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल सिग्नल्स आएंगे असाइल कॉलिन रिलीज इंटू द साइनेप्स. ये क्या है, हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल है, पोस्ट साइनेप्टिक सेल है. यहाँ पे हमारे कॉलिनर्जिक रिसेप्टर है. असाइल कॉलिन अपने कॉलिनर्जिक रिसेप्टर में बाइंड करेगा विद एम या फिर मस्क्रेनिक या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर. ये क्या है, असाइल कॉलिन ट्रांसफ्रेज सॉरी असाइल कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम है दैट ब्रेक डाउन द असाइल कॉलिन इनटू असाइल प्लस कॉलिन, असाइल को एस्टेट प्लस कॉलिन एंड कॉलिन ट्रांसपोर्टेड अगेन इनटू द एक्सॉन टर्मिनल फॉर री अगेन सिंथेसिस ऑफ असाइल कॉलिन. ठीक है, ये क्या है, असाइल कॉलिन की हमारी सिंथेसिस है, स्टोरेज है एंड डिस्ट्रक्शन. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू सॉरी नेक्स्ट लेक्चर बोल रही हूँ मैं नेक्स्ट उस जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लेके आ सकूँ. ठीक है, थैंक यू.